सो हे गाइस, वेलकम बैक अगेन टू माय यूट्यूब चैनल गाइस। और होप सो आप सभी अच्छे होंगे और मैं भी अच्छा हूँ। तो गाइस, आज है सैटरडे, और सैटरडे मतलब मेरे कॉलेज का छुट्टी है। तो गाइस, आज मैं जा रहा हूँ अपने घर की तरफ काके में जो मेला लगता है फार्मर्स का, जिसको बोलते हैं किसान मेला, और ये है एग्रीकल्चर में लगता है, बिरसा यूनिवर्सिटी एग्रीकल्चर। वहाँ के स्टूडेंट लोग लगाते हैं स्टॉल वगैरह सब, वहाँ पे प्लांट्स एनिमल्स सभी चीज़ का वहाँ पे स्टॉल लगता है। तो चलिए, अभी मैं जा रहा हूँ अपने छोटे भाई के साथ, हमजा के साथ जा रहा हूँ। अभी मेरा गाड़ी ये चलाएगा, और अभी मेरे साथ यहाँ पे कुणाल है, देख सकते हैं, ये मेरे साथ कोचिंग में पढ़ता है। तो मैं जो इस कोचिंग में पढ़ता हूँ उसी के सर के साथ जा रहे हैं, और सर अभी तैयार होने का एकदम मेकअप वेकअप करने। तो चलिए, उनको आने देते हैं, फिर आपको उनसे मिलाते हैं। तो वीडियो में हमारे साथ बने रहे। सर आ चुके हैं तैयार होकर, यही सर है। गुड इवनिंग सर, क्या हाल चाल है, बताइए। फाइन, देख सकते हैं गाइज, यहाँ पे सर अपना हयाभूसा लेके चल रहे हैं, स्प्लेंडर वाला हयाभूसा। तो सर के साथ जाएगा कुणाल, मैं और हमजा जाने वाले हैं इस पे। तो सर कहाँ जा रहे हैं बता सकते हैं अभी मेरे व्यूअर्स को? डीओवी गेट का वहाँ पे क्या लगा बताइए? फार्मर फेयर जिसको हम लोग बोलते हैं गाइज, किसान मेला। तो चलिए गाइज, उधर चलते हैं, उसके बाद आपको वहाँ का व्यू दिखाते हैं। चेकआउट कीजिए, सामने में जो गेट देख रहे हैं, ये गेट बिरसा एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी का यही गेट है, और इसी के अंदर जाना, देख सकते हैं गाइस यहाँ पे एग्रोटेक किसान मेला 2024। तो अभी इसी के अंदर हम लोग को जाना है। तो चलिए, हम लोग इधर से चलते हैं पार्किंग की तरफ, गाड़ी लगाएंगे, उसके बाद फिर हम लोग निकलेंगे। तो गाइस, हम लोग पहुँच चुके हैं अभी बिरसा एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी, और यहाँ देख सकते हैं सभी पार्किंग वगैरह लगा हुआ है, और यहाँ पे हमारे साथ और भाई जुड़ चुके हैं। तो हाई बोल दो भाई। और यहाँ पे चेकआउट कीजिए गाइस, अभी यहाँ पे पार्किंग लगा चुके हैं, और यहाँ पे सर है मेरे, और यहाँ पे गार्ड लगा के रखे। और चेक कीजिए गाइस, यहीं पे बिरसा एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी का गर्ल्स हॉस्टल है, चेकआउट कीजिए गाइस यहाँ पे। तो चलिए गाइस, इधर से चलते हैं, सामने जो मेला देख रहे हैं वहाँ पे, सामने में जो मेला देख रहे हैं गाइस उधर, तो उधर ही चलना है। तो सर कैसा लग रहा है सर आपको? चलिए, तो गाइस यहाँ पे चेकआउट कीजिए गाइस यहाँ पे, यहीं पे फार्मर्स का यहाँ पे पूरा लगा हुआ है, कैसे यहाँ पे बिरसा एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी में फार्मिंग किया जाता है। और सामने में देखिए गाइस क्या लिखा हुआ है, महुआ की खेती, यहाँ धान का खेती। और यहाँ पे चेकआउट कीजिए गाइस, यहाँ पे चेकआउट कीजिए, डेड सर, मछली मरा हुआ नहीं है सर? हाँ, नीचे दो को इतना गंदा पानी रखेंगे तो क्या होगा? चेकआउट कीजिए गाइज यहाँ पे, कितना अच्छा से ये छोटा सा प्रोजेक्ट के थ्रू यहाँ पे बना के रखा है। चेकआउट कीजिए गाइज यहाँ, तो गाइज यहाँ पे चेकआउट कीजिए, यहाँ पे सीड वगैरह सब है, और यहाँ पे चेकआउट कीजिए गाइज, यहाँ पे हर तरह का चीज़ है। क्या लिखा हुआ देखिए गाइज, ये जो है मिट्टी है, ये कौन सा मिट्टी है सर? लाल मिट्टी है। किस चीज़ के लिए यूज किया जाता है ये? ऊपरी जमीन में लाल और पीला मिट्टी होता है, इसमें जो है ना मक्का है, मरुआ सब। अच्छा अच्छा, ठीक है। हमारा कहना है कि अम्लीय मिट्टी में चूना का प्रयोग करना जरूरी है। मतलब ये लाल मिट्टी होना जरूरी है खाद की? अम्लीय मिट्टी। अच्छा, चूना का प्रयोग करना, इसका नाम है अम्लीय मिट्टी। ठीक है सर, तो गाइस ये अम्लीय मिट्टी है, जिसको लाल मिट्टी भी बोलते हैं। और यहाँ पे बाकी लेबोरेटरी के लोग बैठे हुए हैं, यहाँ पे मिट्टी वगैरह को टेस्ट करके रखे हुए हैं। तो सर हाँ, सबसे मिलवाएंगे। और यहाँ पे देखिए गाइस, यहाँ पे चेकआउट कीजिए सभी लोग हैं। मैम आप लोग भी कुछ कुछ बताइए, क्या रखे हैं यहाँ? फिर भी मेरा ब्लॉग है, ये ब्लॉग बना रहे हैं, तो उसमें आप लोग बताइए। ये सभी आपका बिरसा एग्रीकल्चर में ही प्रिपेयर किया गया है? ठीक है, ठीक है गाइस, यहाँ पे चेक करिए, यहाँ पे सीड्स वगैरह भी है, यहाँ पे इंसेक्टिसाइड्स और पेस्टिसाइड्स भी है, जिसको केचुआ खाद भी बोलते हैं।
और यहाँ पे सभी चीज़ से पूछ लीजिए सर, आपको डिटेल ठीक है। सर कुछ और बताना चाहेंगे सही यहाँ के बारे? जल जमीन को संरक्षण कैसे करना है और हम लोग को कैसे किसी विधि से खाद उर्वरक का प्रयोग करना है संतुलित मात्रा में, ये जानना है। पहले लाल मिट्टी अम्लीय होता है जिसका कारण आपको चूना का प्रयोग करना जरूरी है। हमारा ये जो होता है ना नीचे गेहूं, हाँ, ये सब जिसमें कोई फर्टिलाइजर नहीं डाल रहे हैं, अच्छा आज से नहीं 50 साल से कोई सिर्फ यूरिया डाल, अच्छा अच्छा कोई यूरिया डीएपी डाल, ठीक है ना। इसी का मतलब क्या है, मैसेज ऐसे है संतुलित मात्रा में फर्टिलाइजर डाल। चल ठीक है सर, ठीक है और भी कंटिन्यू करते हैं। हाँ, धान का खेत में एजोला कैसे डालेंगे, बीजे का उपयोग कैसे करेंगे और पानी का ज्यादा। गाइस यहाँ पे चेकआउट कीजिए, यहाँ पे प्रोजेक्ट वगैरह बना हुआ है कैसे यहाँ पे किसान खेती करते हैं और एक तरह का ओवरव्यू दिया गया है यहाँ पे फार्मिंग का। और यहाँ पे चेकआउट कीजिए गाइस, ये है एग्रो क्लिनिक, वहाँ कस्टम हायरिंग सेंटर है। यहाँ पे सरसों का खेत को दिखाया गया है, यहाँ पे रबी फसल दिया हुआ है जिसको रबी बोलते हैं और यहाँ पे सभी तरह का है। चेकआउट कीजिए गाइस कितना अच्छा से यहाँ पे, और ये जो भी देख रहे हैं ये मशरूम है, ये कौन सा मशरूम है यहाँ पे चेकआउट कीजिए गाइस, फ्लोरेटस है यहाँ पे जिसको बोलते हैं इंग्लिश में। और यहाँ पे स्पंडरन बैग है, ये सूखा हुआ कट्टी जो गाय को दिया जाता है। गाइस यहाँ पे चेकआउट कीजिए कौन कौन सा इक्विपमेंट्स यूज़ किया जाता है फार्मिंग के लिए, और यहाँ पे चेकआउट कीजिए गाइस कितना अच्छा यहाँ पे सभी चीज़ें। एक्सक्यूज मी प्लीज, यहाँ पे चेकआउट कीजिए गाइस। ये सभी इक्विपमेंट्स को यूज़ किया जाता है गाइस फार्मिंग के लिए। और नीचे लिखा हुआ भी गाइस देख सकते हैं वहाँ पे, कृषि यंत्र समय की मांग जो यूज़ किया जाता है एग्रीकल्चर के टाइम फार्मिंग के लिए। आउट कीजिए गिलोई जो जॉइंट पेन के लिए काम आता है, और यहाँ पे पूरा गिलोई का है जॉइंट पेन में ये सब काम आता है गाइस, ये सब मेडिसिनल प्लांट है। पान नहीं है सर, पान है जी। और यहाँ देखिए गाइस ये है एलोवेरा, और ये भी सामने में जो देख रही है ये भी गिलोई है, और यहाँ पे छाछ वगैरह सब देख सकते हैं गाइस यहाँ पे, ये सभी बिरसा एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी का है ये सब। तो गाइस यहाँ पे चेकआउट कीजिए कितना बड़ा बड़ा यहाँ पे देख सकते हैं क्या चीज़ है, कमेंट करके बताइए क्या है गाइस इतना बड़ा बड़ा क्या है। वैसे यहाँ पे लिखा हुआ है इसको बोलते हैं गाइस फूल को भी, और यहाँ पे चेकआउट कीजिए गाइस कितना बड़ा बड़ा यहाँ पे पपीता है, सबसे बड़ा पपीता मेरे हाथ में है गाइस, देखिए यहाँ पे उससे बड़ा ये भी है वहाँ पे, देखिए गाइस ये लंबा है भाई बड़ा नहीं लंबा है। और यहाँ पे एक कटहल है जिसको जैक फ्रूट बोलते हैं, अगर इसको कमेंट करके बताइए क्या है ये पका हुआ केला है गाइस जी, और ये कच्चा केला है जो सब्जी बनाने में काम आता है। तो गाइस यहाँ पे चेकआउट कीजिए गाइस ये क्या इतना है, इतना बड़ा क्या चीज़ है, कमेंट करके बताइए गाइस ये कद्दू है या कादा है पता नहीं चल रहा है। और ये लंबा लंबा भी देख सकते हैं गाइस, कोई लंबा है तो कोई मोटा है, और कोई लंबा से साथ साथ में चौड़ा भी है गाइस देख सकते हैं यहाँ पे। और इतना बड़ा ये क्या है गाइस, ये क्या है गाइस समझ ही नहीं आ रहा है। तो गाइस यहाँ पे चेकआउट कीजिए कितना अच्छा अच्छा यहाँ पे फ्लावर्स भी है, सामने में वाइट कलर का भी कौन कौन सा फ्लावर है गाइस देख सकते हैं, इसके अंदर नहीं जाने का देगा ये। यहाँ पे चेकआउट कीजिए गाइस कितना अच्छा है यहाँ पे, बहुत ही अच्छा अच्छा चीज़ है। चेकआउट कीजिए कितना बड़ा बड़ा यहाँ पे अदरक है साथ साथ में, ये क्या है भैया, शरीफा देख सकते हैं गाइस, शरीफा में जो मार्केट में खाते हैं छोटा छोटा है, सीताफल है शरीफा नहीं। और यहाँ पे देखिए गाइस कमेंट करके बताइए गाइस कि ये कौन सा फ्रूट है, इसको खाया है लेकिन नाम याद नहीं आ रहा है इसका। और इमली को भी देखिए गाइस यहाँ पे कितना बड़ा बड़ा इमली है जो आप लोग खाते होंगे गाइस। और यहाँ पे स्ट्रॉबेरी को चेकआउट कीजिए, उत्पादन करते हैं
जैसे कि बहुत गरीब आदमी है, उसके पास जमीन नहीं है, तो फिर क्या करेगा कि जैसे जमींदार होते हैं बड़े बड़े, उनके जमीन पे खेती करेगा, ठीक है। तो जो किसान लोग हैं वो इस पर खेती करेंगे और यहाँ पर मेडिसिनल प्लांट बनाने के बाद उसको हम लोग लेकर के जाते हैं आगे। ये हमारा लैबोरेटरी है, प्रयोगशाला, जहाँ पर जनरली क्या होता है कि जो यहाँ से प्लांट्स आए हैं उन्हें एनिमल टेस्टिंग किया जाता है, ताकि से प्रमाणित होता है, ये मान्यता दे देता है, उसके बाद ही हम लोग उसका प्रयोग कर सकते हैं आगे, मतलब किसी जानवर पे चला सकते हैं, ताकि हमें पता चल जाए कि हाँ वो जो मेडिसिन हम प्लांट लेके आए वो सक्सेसफुली यूज किया जा सकता है फॉर फर्दर एनिमल्स, ठीक है। फिर हम लोग क्या करते हैं, अगर हम उतना वो टेस्टिंग कर चुके हैं, सक्सेसफुल हो चुके हैं उस प्लांट को लेकर के, तो फिर हम आगे बढ़ते हैं और उसको लार्ज स्केल में बनाने की कोशिश करते हैं, क्योंकि जानवर बहुत है हमारे पास, ठीक है, और सबको कवर करना है। तो फिर उसके बाद इंडस्ट्री में लेके आते हैं, उसको प्रोसेसिंग करते हैं, लार्ज स्केल में बनाते हैं। यहाँ जैसे कि आप देख सकते हैं, यहाँ पे हम लोग लोडिंग करवा रहे हैं, जो भी यहाँ से टेस्टिंग होकर के प्लांट जो भी आ रहे हैं, जैसे गार्ड लेके आ रहा है और लोडिंग करवा रहा है, सारे यहाँ पर प्लांट्स आएंगे, उसके बाद यहाँ पर इंडस्ट्री में पैकेजिंग होगा, अच्छे तरीके से बनेगा प्रॉपर, उसके बाद यहाँ से अनलोडिंग होकर के ये आपका हर्बल दवाखाना में चला आएगा। और दवाखाना से आराम से किसान हुए, कोई भी ये पशुपालन वाले हैं, वो वहाँ से दवाई खरीद सकते हैं, हर्बल दवा। जैसे कि हम जान सकते हैं कि एलोपैथी दवा का बहुत ज़्यादा साइड इफेक्ट है, तो उससे सब मतलब बोलना चाहेंगे कि हर्बल दवा ज़्यादा उपयोगी होगा। इसमें क्या है कि जो किसान के पास जगह कम है, तो उसमें वो हाइड्रोपोनिक्स का भी इस्तेमाल कर सकते हैं, जिसमें बिना मिट्टी का ही मिनरल सप्लीमेंट दे के हम पौधे उगाएंगे। फिर उसके बाद ये स्मॉल पैखाना पे व्यवसाय बनाएंगे, जिसमें कि हम जहाँ से पौधा मेरा मिल रहा है उसका प्रोसेसिंग करके, उसका पैकेजिंग करके हम बेच भी सकते हैं, और हमारी जो वेस्ट प्रोडक्ट है उसको गाय को भी खिला सकते हैं। गाय को खिलाने से गाय का चारा भी बन जाएगा, वो एक तरीके का हर्बल भी होगा, उसका प्रोडक्टिविटी भी बढ़ेगा साथ में। तो ये हम गाँव के लेवल पे कर सकते हैं आसानी से, किसी भी घर पे जो घर खाली मिल रहा है वहाँ पर आराम से ये बिल लगा करके हम लोग प्रोडक्शन करवा सकते हैं। तो गाइस यहाँ पे चेकआउट कीजिए, यहाँ पे लिखा हुआ है बतख सह मछली पालन, यहाँ पे बिरसा एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी में कैसे बतख को और मछली को पाला जाता है उसका एक यहाँ पे ओवरव्यू दिया गया है प्रोजेक्ट के थ्रू, और यहाँ पे चेकआउट कीजिए। और अंदर में मुर्गी का है, वहाँ पे तो मुर्गी नहीं है लेकिन वो मुर्गी का एक डिज़ाइन वगैरह दिया गया है, और यहाँ पे भी चेकआउट कीजिए गाइस, इधर चेकआउट कीजिए गाइस। और यहाँ पे देखिए गाइस क्या है, ये मकई का है, और यहाँ पे चना है कि मूंग है, मूंग है। चलो तो गाइस ये मूंग है और ये चना है, देख सकते हैं, सॉरी मकई है गाइस यहाँ पे। गाइस यहाँ पे देखिए, हम लोग रहते हैं इंडिया में, और इंडिया में चाइनीज मुर्गी भी है, देखिए गाइस यहाँ पे चेकआउट कीजिए, सामने में लिखा हुआ है चाइनीज मुर्गी, और यहाँ पे टर्की उजाला, और यहाँ पे देखिए गाइस राजहंस है, यहाँ पे राजहंस को देखिए गाइस, यहाँ पे पोज मार रही है, देखिए गाइस पोज मार मार के फोटो खिंचा रही है, कौन सा पोज, और ये देखिए गाइस जिसको बोलते हैं हम लोग कड़कनाथ से, कड़कने से चलती है बिजली, और यहाँ पे देखिए गाइस मुर्गा है, ये स्पेशल मुर्गा, चेकआउट कीजिए गाइस, यहाँ पे चेकआउट कीजिए गाइस, काला मुर्गा कड़कनाथ जिसको बोलते हैं, यहाँ पे देखिए, और यहाँ पे देखिए यहाँ पे लोग खा रहा है, ये देखिए गाइस चेकआउट कीजिए, और इसको देसी मुर्गी बोलते हैं। अच्छा तुम ही देसी हो हैं, हाँ अबे टट्टी कर रहा है ऊपर से। और यहाँ पे काला खरगोश, संकर नसल नर खरगोश को देखिए गाइस, एक बार हाई बोल दो बाबू तुम भी, अरे देसी नर है सादा सादा, यहाँ पे देखिए गाइस चिलचिला मादा, चिलचिला मादा ये शांत रहता है, देखिए गाइस नसल मादा है, चिकना चार अरे यहाँ पे देखिए गाइस ब्लैक ब्राउन नर, ब्लैक मांबा जिसको बोलते हैं, और यहाँ पे देखिए तीतर है गाइस, ये गाइस यहाँ पे चेकआउट कीजिए, टाइटेनियम महिंद्रा, और यहाँ पे एनबी इंटरप्राइजेस का सभी का यहाँ पे ट्रैक्टर का सेल्स लगा हुआ है, किसान लोग को खरीदने के लिए यहाँ पे लगाया गया है, और यहाँ पे बाइक वगैरह भी है जो बजाज का बाइक सब का है, इसका बनी है, और यहाँ पे चेकआउट कीजिए गाइस, यहाँ पे प्लेजर हीरो का जो इतना गाड़ी है वो भी सेल्स में यहाँ पे लगा हुआ है, चेक कीजिए गाइस यहाँ पे,
और सामने में ये जो है आयुर्वेद दवा वगैरह का यहाँ पे भी लगाया गया है। चेकआउट कीजिएगा, इतना अभी ख़त्म नहीं हुआ है और अभी उधर बहुत सारा है। यहाँ पे मशीन सब है, यहाँ पे चेकआउट कीजिएगा। इस I'm not excited. So uninspired.